बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इस्लामिक स्टडीज या इस्लामियात। जनरल नॉलेज का कोई भी पेपर हो उसमें जो इस्लामिक स्टडीज होती है उसका एक अहम पार्ट होता है। ऑल्दो जो हम अगर एफआईए के हिसाब से बात करें उसके पास पेपर्स में हम इस्लामियात देखते नहीं है कि बहुत ज़्यादा इस्लामियात आई हो, क्योंकि उसके सिलेबस का हिस्सा भी नहीं होती थी इस्लामियात और पाकिस्तान अफेयर। लेकिन इस दफ़ा जो आपके पेपर का सिलेबस आया उसके अंदर मेंशन है कि पाकिस्तान अफेयर और इस्लामियात में से भी पेपर आएगा। वो तो चले एफआईए के सिलेबस के हवाले से भी बात हो गई, लेकिन आम तौर पर जो इस्लामियात है वो आपके किसी भी पेपर का लाजमी लिखा होती है, और अगर पेपर में ना भी हो तो इंटरव्यू के अंदर तो डेफिनेटली उन्होंने इस्लाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने हैं, क्योंकि ये हमारी बेसिक आइडियोलॉजी का हिस्सा है, इस्लामियात और पाकिस्तान अफेयर। तो हम इस्लामिक स्टडीज का आज आगाज करते हैं पहले लेक्चर से, और इसके अंदर हम देखेंगे प्री इस्लामिक रिलीजन्स और एडवेंट ऑफ इस्लाम। कि इस्लाम से पहले जो है वो कौन से रिलीजन मौजूद थे और इस्लाम का जो है वो एडवेंट किस तरह से हुआ। तो देखिए जो नाउन है हमें वो ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले ह्यूमन बीइंग है जो कि ज़मीन पर उतारे गए हैं, और कहा जाता है कि वो ही पहले जो हैं अल्लाह ताला के नबी थे। पहले नबी जो हैं वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। और दूसरे नबी कोई बता सकता है दूसरे नबी कौन थे? नहीं जी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तो काफ़ी बात के हैं। हाँ जी, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम, जो हज़रत शीश अलैहिस्सलाम हैं वो दूसरे नबी हैं। अब तक जो नबियों की तादाद है जो मालूम पड़ती है 1,24,000 पैगंबर जो हैं वो उतारे गए हैं, और कुरान पाक में जिनके नाम मेंशन है वो हैं जी 26। कुछ जगह पे इसका 25 आ जाता है, कुछ जगह पे 26 आ जाता है, लेकिन मोस्टली अगर आपका आंसर जो है ऑप्शन में 26 हो तो आपने 26 पे ही लगाना है, लेकिन अगर 26 का ऑप्शन ना हो तो आप फिर 25 के ऊपर लगाएंगे। वो नाम 26 के हैं, लेकिन एक नबी का नाम वो कहते हैं कि दो दफ़ा मेंशन है वो दो मुख्तलिफ नामों से, जिसकी वजह से इसके ऊपर राय मुख्तलिफ है। कुछ लोग इसको 25 कह देते हैं, कुछ लोग इसको 26 कह देते हैं, लेकिन ज़्यादा जो मानी जाने वाली राय है वो ये है कि 26 अंबिया कराम का जिक्र है। और दूसरे नबी जो हैं वो हज़रत शीश अलैहिस्सलाम थे, और तीसरे नबी हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम थे। बेसिकली जो हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उनकी जो औलाद है उनके पहले दो बेटे हुए थे, कबील और हबील। वो कबील और हबील वाला वाक्य आपने सुना होगा कि अल्लाह ताला ने जो है वो कुर्बानी मांगी थी, तो हबील जो था उसने भेड़ की कुर्बानी की थी, अल्लाह ताला ने उसकी कुर्बानी को कबूल कर लिया। और जबकि जो कबील है काफ वाला कबील, आप इसे याद रखेंगे काफ से जो है कातिल होता है, काफ से कबील होता है। कबील ने लालच की, इसने कुर्बानी वगैरह भी ना दी। फिर जो है एक की क्या कहते हैं खतून, वो खूबसूरत थी, अकलीमा उसका नाम था, उससे दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन चूंकि हबील की कुर्बानी कबूल हुई तो अल्लाह ताला ने जो अकलीमा है वो हबील के हिस्से में लिख दी। जबकि जो कबील है उसके हिस्से में लायुदा नाम की फीमेल आई।
अब कबील इसको पसंद करता था, कलीमा को, खूबसूरत थी वो बहुत ज्यादा, तो कबील को हसद हुआ, उसने हबील को जो है वो कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उसको जो है लाश को ठिकाने लगाने का मामला था, तो फिर वो कव्वे को देखा, एक कव्वा आया, उसने जमीन खोदी और वहां पे दूसरे कव्वे को मार के दफना दिया। तो इसने भी क्या किया, उसी तरीके से अपने भाई को मार के दफना दिया। और यहीं से फिर इसने अपना एक अलग रिलीजन स्टार्ट कर दिया और इसके लोगों ने बुतों की पूजा स्टार्ट कर दी। और फिर जो है तीसरे बेटे हुए हजरत शीश अलैहिस्सलाम। शीश का मतलब होता है गिफ्ट, तोहफा। तो ये जो है फिर दूसरे नबी बने, और इनके बाद फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र हमें मिलता है। अब ये तो हो गए, ये स्टार्ट से बात हो गई ना कि किस तरह से जो है वो स्टार्ट हुआ। जो रिलीजन है उनका स्टार्ट कहाँ से हुआ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। उसके बाद 1,24,000 पैगंबर आए, जिनके ऊपर डिफरेंट पैगंबरों पे सहीफे नाजिल होते रहे। उनमें से चार पैगंबर ऐसे हैं, चार नबी ऐसे हैं जिन पे अल्हामी किताबें नाजिल हुई हैं। जिनमें अल्हामी किताबों में तौरात, जबूर, अंजील और कुरान मजीद आ जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कौन सी किसके ऊपर नाजिल हुई। जबूर जो है वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे, तौरात जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे, अंजील जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे, और फिर कुरान मजीद जो है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ। तो ये इस तरह से जो है जी किताबों का इल्हाम हो गया। अच्छा, ये तो रिलीजन हो गए एक जो इस्लामिक हिसाब से हैं, लेकिन कुछ जो रिलीजन है वो दूसरे भी चल रहे थे, जो अल्लाह ताला की ऊपर यकीन नहीं रखते थे या इस्लाम से पहले थे। उनमें जैसे हिंदुइज्म आ जाता है, बुद्धिज्म आ जाता है, ये इस्लाम से पहले के रिलीजन है। और सबसे पुराना रिलीजन जो है वो हिंदुइज्म को कहा जाता है। दुनिया का सबसे पुराना रिलीजन जो है वो हिंदुइज्म है। फिर इसके अलावा बुद्धिज्म था, ये भी जो है इस्लाम के आने से पहले का है। तो इस्लाम फिर जो है वो कब आया, इस्लाम जो है वो 611 के अंदर आया, 611 एडी में। इससे पहले जो है वो डिफरेंट रिलीजन थे, और रिलीजन्स थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी पैदाइश 571 में होती है, अब के मुताबिक सालों में, जैसे आज 2023 एडी है, तो आप सल्लम की पैदाइश 571 एडी में हुई। 40 साल की उम्र में उनके ऊपर जो है वो वही नाजिल हुई, और उन्होंने फिर जो है इस्लाम का बताना शुरू किया। तो इस्लाम का जो आगाज है वो 611 से होता है, जब आप सल्लम की उम्र 40 साल हुई। उससे पहले जो है डिफरेंट जो है वो रिलीजन्स मौजूद थे, और रिलीजन मौजूद थे। जो इमीडिएट रिलीजन इस्लाम से पहले मौजूद था, यकम एडी में, वो क्रिश्चियनिटी था, ईसाइत थी। बल्कि ये जो हमारे साल हैं, हम देखते हैं आज 2023 एडी है, क्योंकि इस वक्त मोस्टली जो रूल है वो क्रिश्चियन रूल है। जो टॉप कंट्रीज हैं, अमेरिका हो गया, बर्तानिया हो गया, ये इनका रिलीजन क्रिश्चियनिटी है, तो ज्यादा चीजें उन्हीं की इम्प्लीमेंटेड हैं हमारे वर्ल्ड में। तो इसलिए कैलेंडर भी उन्हीं का हम फॉलो करते हैं। वो कैलेंडर शुरू कैसे होता है, यकम एडी से। यकम एडी वो साल है जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। जिस साल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए उसको यकम एडी बोला जाता है। एडी का मतलब है एनो डोमिनी। कई लोग इसको आफ्टर क्राइस्ट भी बोल देते हैं, लेकिन ये प्रॉपर वर्ड जो है वो एनो डोमिनी ही है। और उसके बाद
हजरत ईसा अलैहि सलाम के 571 साल बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होती है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 40 साल बाद जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाजिल होती है और इस्लाम का आगाज होता है। अब हजरत इस अब से मतलब जो अगर 2023 है तो इसका मतलब 2023 साल पहले हजरत ईसा अलैहि सलाम पैदा हुए हैं। उससे पहले का जो एरिया है, जो इरा है, उसको हम बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। तो मेजरली जो कैलेंडर है वो दो तरह का हो गया, एक वो जो अब चल रहा है एडी कैलेंडर, एनो डोमिनी कैलेंडर, और एक वो जो उससे पहले, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले भी अंबिया कराम मौजूद थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, तो उनके पीरियड को मेंशन करने के लिए हम यूज करते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट, हजरत ईसा से इतने साल पहले। इसी तरह इस्लाम के आने के बाद भी कुछ रिलीजन आए हैं। हमारे नज़दीक तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, बट जो रिलीजन हैं वो कुछ ना कुछ इमर्ज होते रहे, जिसके अंदर अगर हम बात कर लें तो एक रिलीजन है शिंतुइज्म, इसके अलावा माना जाना रिलीजन है सिखिज्म। शिंतुइज्म जो है वो 712 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम वाला जो ईरा है उसके अंदर ये आना शुरू हुआ था, और सिखिज्म की जो इब्तिदा है वो गुरु नानक से होती है 1495 के राउंड अबाउट, और उसके बाद कुछ एक ये जो कादियानियत है वो भी निकला है इसमें से। तो इस्लाम के आने के बाद भी कुछ रिलीजन आए हैं जिन्होंने ये क्लेम करने की कोशिश की है कि हम जो हैं वो दावेदार हैं इस चीज के। आल तो वैसे जो सबसे ज्यादा फॉलोअर हैं वो इस वक्त मौजूदा दौर में कौन से रिलीजन के हैं कोई बता सकता है? दुनिया में जो सबसे ज्यादा फॉलोअर हैं वो किस रिलीजन के हैं? जी क्रिश्चियनिटी के। दुनिया की जो टोटल आबादी है वो ऑलमोस्ट 8 बिलियन है, 8 अरब है, जिसमें से 2 अरब के राउंड अबाउट क्रिश्चियन है और 1.8 बिलियन के राउंड अबाउट मुस्लिम है। मुस्लिम जो है वो दुनिया में दूसरे नंबर पे हैं तादाद के हिसाब से, लेकिन ये फिगर बड़ी तेजी से चेंज हो रहा है और मुस्लिम्स की तादाद ओवरलैप कर जाएगी, कहा जाता है कि आने वाले कुछ सालों में जो है क्रिश्चियनिटी से ज्यादा हो जाएंगे मुस्लिम्स। इसकी वजह क्या है कि क्रिश्चियनिटी की तादाद ज्यादा है, मुस्लिम की तादाद कम है? तो जो मुस्लिम्स हैं, एक तो वो 571 साल बाद का रिलीजन है क्रिश्चियनिटी के बाद का, दूसरे नंबर पे जो इस्लाम है वो बेसिकली 3 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर गया। देखिए सऊदी अरब के अंदर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, उसके बाद सहाबा कराम ने सिलसिला कार इस्लाम का फैलाया, दाएं बाएं पैगाम लेके गए। तो जो सऊदी अरब एशिया में आता है, एशिया के 7 वाले कॉन्टिनेंट्स हैं, यूरोप और अफ्रीका ये 7-7 है, तो यहाँ तक इस्लाम फैला तेजी से। जो इसके बाद के कॉन्टिनेंट हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वहां तक जो है इस्लाम प्रॉपरली गया नहीं। मुसलमानों का जो एक्सपेंशन का पीरियड था, आगे जाने का पीरियड था, इस्लाम को फैलाने का पीरियड था, वो रुक जाता है और वहां से शुरुआत हो जाती है क्रिश्चियनिटी के फैलने की। जो हम अगर लगा लें 14वीं सदी 15वीं सदी की बात, वो इजादात शुरू कर देते हैं और वो उन रिजन्स में, उन बड़े आजमों में चले जाते हैं जहां तक
इस्लाम गया ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर लें, आपका जो रिलीजन है, आप तो मुस्लिम ही हम इसको कंसीडर करेंगे कि आप सल्लम जो है मुस्लिम ही थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो से रिलीजन आ रहा था उसको फॉलो कर रहे थे, लेकिन उस लोगों का जो वहाँ के लोग थे, अरब के लोग थे, वो मोस्टली जो फॉलो करते थे वो बुतों की पूजा करते थे। बेसिकली वो लोग मोस्टली वहां पे, हमने सुना भी कि खाना काबा के अंदर भी बुत रखे हुए थे, 360 बुत रखे हुए थे। तो वो लोग जो है बेसिकली जो फॉलो करते थे वो बुतों की पूजा करना उसको फॉलो करते थे। अब जो हमें जिक्र मिलता है प्रॉफिट्स का, उसके ऊपर आ जाते हैं। वो हमें 25 प्रॉफिट्स का, 26 प्रॉफिट्स का जिक्र मिलता है। तो यहाँ पे आप एक देख लीजिए कि हमें जिस तरह से प्रॉफिट का जिक्र मिलता है, सबसे पहले और जिनके नाम भी मिलते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, फिर हमें हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है, फिर नूह अलैहिस्सलाम का, फिर हूद अलैहिस्सलाम का, सालेह अलैहिस्सलाम का, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, लूत अलैहिस्सलाम का, एंड सो ऑन। ये एक चार्ट दिया हुआ है जिसके अंदर जो डिफरेंट नबियों के नाम आए हैं कुरान मजीद में, या जिनके हमें नाम मिलते हैं, उनका एक हमें यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर जिक्र मिल जाता है। इसको आप वैसे देख लेंगे, प्रॉफिट्स बिफोर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, यहाँ पे भी नबियों के नाम हैं और साथ में इंग्लिश के साथ भी उनके नाम दिए हुए हैं, कि जैसे हम इंग्लिश लिटरेचर में या जो यूरोपियन लोग हैं वो इनको नाम को प्रोनाउंस किस तरह से करते हैं, जस्ट लाइक आदम है, अदरीस को एनोक कहते हैं, नूह को नोह कहते हैं, हूद अलैहिस्सलाम को हैबर कहते हैं, एंड सिमिलरली इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एब्राहम, इसहाक अलैहिस्सलाम को आइजिक, यकूब अलैहिस्सलाम को जैकब, यूसुफ अलैहिस्सलाम को जोसेफ। तो ये इन स्लाइडों में जनरल आपकी रीडिंग के लिए मुख्तलिफ अंबिया कराम के नाम भी दिए हुए हैं। फिर उन्हीं अंबिया कराम के एज वाइज, और नहीं, स्क्रीनशॉट आपको लेने की जरूरत नहीं है इसके लेक्चर की, आपको ये पीडीएफ फाइल की शक्ल में ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। आपको ये लेक्चर पीडीएफ फाइल की शक्ल में ग्रुप के अंदर मिल जाएगा, इसके स्क्रीनशॉट लेने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पे अंबिया कराम की जो है वो एजेस दी हुई है, इसमें सबकी एज नहीं याद करने की जरूरत। ज्यादातर जो पूछी जाती है, पहले दो की पूछी जाती है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की एज 1000 साल थी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की एज 950 साल थी, और नबियों में जो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज सबसे कम है, 63 साल। और ये जो है डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर दी हुई है एज ज्यादा से कम की तरफ, तो इसको भी जस्ट आप एक दफा रीड आउट कर लेंगे। ज्यादा जो पूछा जाता है अंबिया कराम के हवाले से, वो दो चीजें पूछी जाती हैं पेपर में, इस्लाम से पहले के जो मामलात पे पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है अंबिया कराम के नाम, जबीउल्लाह किसका नाम था, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम था, खलीलुल्लाह किसका नाम था, नजीबुल्लाह किसका नाम था, मतलब कि अंबिया कराम के नाम पूछे जाते हैं मोस्टली पेपर में। दूसरे नंबर पे उनके प्रोफेशंस पूछे जाते हैं कि वो जो अंबिया कराम थे वो क्या काम करते थे। इसके अलावा तीसरे नंबर पे उन पे नाजिल होने वाली जो है सहीफों की तादाद या कुतब, चार के ऊपर जो है किताबें नाजिल हुई हैं, किसके ऊपर कौन सी किताब नाजिल हुई, उसका मतलब क्या है, इस तरह से। ये आगे स्लाइड्स में आ भी जाएगा, मैं आपको वैसे भी मटेरियल भी प्रोवाइड कर दूंगा इसके ऊपर। तो ये ज्यादातर जो क्वेश्चंस की नोयत है हम देखते हैं इस टाइप के अंबिया कराम में से पूछे जाते हैं। तो प्रोफेशन देखिए, ये मैंने यहाँ पे
सारे अंबिया अकराम के प्रोफेशन जो है वो एनलिस्ट कर दिए हुए हैं, आपने इनको देख लेना है। आदम अलैहिस्सलाम जैसे हैं वो एग्रीकल्चर इंजीनियर थे, एग्रीकल्चर का काम करते थे। हजरत शीश अलैहिस्सलाम जो कि दूसरे नबी हैं वो सिल्क मोंगर थे, मतलब रेशम का काम करते थे। पहली दफा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का काम है, कपड़े बुनने का काम है, वो हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने स्टार्ट किया। उसके बाद हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम है तो उन्होंने नीडल ईजाद की, सुई ईजाद की, सुई के अंदर जिस तरह वो धागा डालने के लिए स्क्रोल होता है तो वो स्टार्ट की, तो उनको टेलरिंग का जो है कहा जाता है कि दर्जी थे बेसिकली वो। और मोस्टली आपको वैसे जो मिलेंगे अंबिया कराम के पेशे वो रिलेटेड होंगे जानवर पालने से, ऊंट चराने से, कोई आपको नजर आएगा कि बकरियां चराते थे, इस तरह मोस्टली आपको अंबिया कराम का नजर आता है। जैसे नूह अलैहिस्सलाम है वो कारपेंटर थे, बढ़ई का काम करते थे, शिपमैन थे, शिप्स बनाते थे, मैरियनर्स थे, ये जो मैरीन्स मतलब शिप्स बनाने का इनका काम था। हूद अलैहिस्सलाम जो है वो ट्रेड करते थे, इन्हें तजारत करते थे। हूद अलैहिस्सलाम को फादर ऑफ ऑल ट्रेडर्स कहा जाता है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम जो है वो कैमल्स ऊंटों को पालते थे, और जो ऊंटनी वाला वाकया है वो भी फेमस है हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से। इसके अलावा जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो आर्किटेक्ट थे, खाना काबा की जो कंस्ट्रक्शन है फर्स्ट टाइम वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की थी। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि दुनिया में सबसे पुरानी मस्जिद कौन सी है, और एक आता है सवाल इस्लाम की सबसे पुरानी मस्जिद कौन सी है, दोनों का जवाब मुख्तलिफ है। जो दुनिया की सबसे पहली मस्जिद है वो खाना काबा है, खाना काबा दुनिया की सबसे पहली मस्जिद है जिसकी बुनियाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रखी। और इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद मस्जिद कुबा है। इस्लाम आने के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा जाके जिस मस्जिद की बुनियाद रखी थी वो मस्जिद कुबा है। इसी तरह ये बाकियों के भी प्रोफेशंस हैं, इनको आप याद कर लेंगे इन प्रोफेशंस को। और आगे हम मेन पे चलते हैं, इस्लामी कुतब, इल्हामी कुतब, ये इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन सी किताब किस नबी पे नाजिल हुई, उस किताब का मायने क्या है, और उस किताब में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस किताब से, किस खिताब से, किस नाम से पुकारा गया। जो पिछले रिलीजन हैं उनमें ये जिक्र मिलता है कि एक आखिरी नबी आएगा, ठीक है, और नाम डिफरेंट मिलते हैं उन किताबों में कि इस नाम से आएगा, वो हम देख लेते हैं किस किस नाम से सल्लम को पकारा गया। तो सबसे पहले देखिए जबूर, जबूर जो है वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई है। जबूर का मतलब है बड़े हरूफ में लिखी गई किताब, और जबूर में हजरत मोहम्मद सल्लम के लिए जो लफ्ज यूज हुआ है वो फारूक का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जबूर में। फिर आ जाती है तौरात। तौरात जो है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुई है। तौरात का मतलब है रोशनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तौरात में यूज हुआ है माज के नाम से। फिर देखिए अंजील, अंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई। अंजील का मायने है अच्छी खबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम है वो यहाँ पे यूज हुआ है फारकलीत। फारकलीत का मतलब है सुकून देने वाला। फिर आ जाते हैं जी अल्लाह ताला की आखिरी किताब कुरान मजीद, जो कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई। इसका मतलब है पढ़ा गया, और दुनिया में जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है वो वैसे भी कुरान मजीद ही है। आप सल्लम को तीन नामों से पुकारा गया है कुरान मजीद में, रहमतुल्लिल आलमीन, अहमद और मोहम्मद के नाम से। रहमतुल्लिल आलमीन हमने आप सल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा, फिर अहमद और मोहम्मद के नाम से भी। जो अहमद नाम है वो कुरान पाक में एक बार आता है, ये भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। अहमद नाम कुरान पाक में एक मरतबा आया और सूरह सफ के अंदर आया।
जो मोहम्मद नाम है वो कुरान पाक में चार मरतबा आया है, डिफरेंट ओकेजन्स पे चार दफा मोहम्मद का नाम जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इस्तेमाल हुआ है। ये कुछ अभी तक अंबिया कराम के बारे में हो गया। फिर मैंने आपको इसका वैसे पहले भी बताया था कैलेंडर्स का, यहाँ अब इस्लाम का एक कैलेंडर का कंसेप्ट समझते जाए तो आपको आगे चल के काफी ज्यादा आसानी होगी इस्लामिक डेट्स याद करने में। देखिए मैंने अभी तक आपको कैलेंडर का बताया अंग्रेजों के बनाए हुए, एक वो जो बिफोर क्राइस्ट है जिसको बीसी कैलेंडर बोला जाता है, हजरत ईसा की पैदाइश से पहले, मतलब यकम एडी से पहले पहले बिफोर क्राइस्ट होगा। दूसरा कैलेंडर हो गया इंग्लिश और सोलर कैलेंडर, एडी कैलेंडर एनो डोमिनी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिस साल पैदाइश हुई उसको यकम एडी बोला जाता है, उसके बाद से लेके आज तक 2023 एडी का साल है। ये तो हो गए सोलर कैलेंडर इंग्लिश कैलेंडर जिसको हम फॉलो करते हैं, लेकिन एक कैलेंडर मुसलमानों का भी अपना एक कैलेंडर है जिसको हिजरी कैलेंडर बोला जाता है, हिजरत का कैलेंडर, हिजरी साल हम जिसको फॉलो करते हैं, वो बेसिकली ल्यूनर कैलेंडर है। ये डी और बीसी का बताया हुआ है, एएच ईयर्स आफ्टर हिजरा, हिजरत के ईयर। देखिए ये कौन सा कैलेंडर है, ये वो कैलेंडर है जब 571 में आप पैदा हुए, 611 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबूवत आई, 13 साल आपने जो इस्लाम की प्रीचिंग है वो मक्का मुकरमा में की, उसके बाद आप शिफ्ट हो गए मदीना 622 में। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए 622 में, तो जाके एक न्यू माशरे की बुनियाद रखी जिसको हम रियासत मदीना का माशरा बोलते हैं। देखिए जब तक मुसलमानों के पास अपनी कोई गवर्नमेंट नहीं थी तो हम कोई कैलेंडर नहीं बना सकते थे, कोई असूलो जवाबित नहीं बता सकते थे, हमने अपना कैलेंडर तभी बनाना था जब हमारे पास किसी जगह की गवर्नमेंट होती जिसपे हम नाफिस करते। तो मुसलमानों के पास जो प्रॉपर गवर्नमेंट आई पहली दफा किसी इलाके की वो मदीना मुनव्वरा था जिसको रियासत मदीना बोला जाता है, और रियासत मदीना कब कायम हुई 622 में, अंग्रेजी साल 622 था। उस 622 साल में जब रियासत मदीना कायम हुई तो मुसलमानों का पहला साल स्टार्ट हो गया, पहला यकम हिजरी, और तब से लेके अब तक जो चलता आ रहा है मौजूदा जो सन है वो 1444 हिजरी है। ये पेपर में पूछ लिया जाता है कि ये प्रेजेंट ईयर कौन सा है हिजरत का, तो प्रेजेंट ईयर जो हिजरत का है वो 1444 है। अब जो इस्लाम के जितने वाक्यात होते हैं आमतौर पे हिजरत की डेट से पूछे जाते हैं, वो आपसे पूछता है ज़कात कब फर्ज हुई, रोजा कब फर्ज हुआ, हज कब फर्ज हुआ, सूद को कब ममानियत करार दी गई, शराब को कब ममानियत करार दी गई, सुलह हुदैबिया कब हुई, फतेह मक्का कब हुई, तो वो सारे हिजरत के साल होते हैं और वो बड़े आसान है याद करना। हिजरत के टोटल 622 में आपने हिजरत फरमाई और 632 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो जाता है, तो टोटल ये 10 साल हैं यकम हिजरी से लेके 10 हिजरी तक, इन्हीं में सारे वाक्यात होते हैं जो मोस्टली इस्लाम की डेटें हैं, इस्लामिक कैलेंडर की डेटें हैं, वो सारी इसी पीरियड के अंदर फॉल करती हैं। मसलन यकम हिजरी को आपने जो है वो मिसाके मदीना की कॉन्स्टिट्यूशन बना इस्लाम का, पहला जो है वो गजवा हुआ गजवा अबवा कहते हैं, फिर दो के अंदर जो है वो गजवा बदर हो जाता है,
हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह भी होता है 2 हिजरी के अंदर ही। ये सारी अभी आपको याद करने की या लिखने की जरूरत नहीं है, ये आने वाले लेक्चर्स में सारा आना है, हमने तरतीब चलते जाना है। आपको जैसे हिंट के तौर पर बता रहा हूँ कि 1 से 10 के दरमियान के ही सारे वाकयात हैं। 2 हिजरी में ही ज़कात फ़र्ज़ होती है, 2 हिजरी के अंदर ही रोज़े का हुक्म आता है, 3 हिजरी में गज़वा बदर हो जाता है, 4 हिजरी में गज़वा खंदक हो जाता है, 5 हिजरी में गज़वा खंदक होता है, 6 में जो है वो सुलह हदीबिया हो जाती है, 7 में खैबर हो जाता है। इसी तरह 10 साल हैं जिनके अंदर हमने डिफरेंट वाक़यात को याद करना होता है कि हिजरत के 10 सालों में क्या क्या वाक़यात जो हैं वो हुए हैं। कल का लेक्चर हमारा हज़म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर होगा, टोटल ज़ात मुबारक के ऊपर, और उसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन से लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक के हम सालों को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके अंदर हम डिफरेंट वाक़यात जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है उनको भी डिस्कस करेंगे। तो ये जी हमारा आज का इस्लामियात का लेक्चर था। किसी को कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज समझ ना आई हो, कोई क्वेश्चन हो तो वो अब आप मेरे से पूछ सकते हैं। बीसी एंड एडी दोबारा से मैं आपको बता देता हूं, कैलेंडर जो है वो इंग्लिश कैलेंडर स्टार्ट होता है जिस साल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिस साल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए उसको यकम एडी बोला जाता है। और उसके बाद साल चलते आ रहे हैं, आज जो है 2023 एडी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले जो वाकयात हुए, जो सन हुए, उनको हम बीसी कैलेंडर कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। देखिए ना, अब हजरत जो मूसा अलैहिस्सलाम है वो तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले आए हैं, उनके सालों को हम क्या कहेंगे? उनके सालों को हम कहेंगे कि वो इतने बीसी साल में थे बिफोर क्राइस्ट, हजरत ईसा से इतने साल पहले। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को हमने रेफरेंस साल मान लिया है जिसको एडी बोला जाता है, और उससे पहले के सालों को हम बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट के साल कह देते हैं। आपको जो है पीडीएफ फाइल लेक्चर की भी प्रोवाइड की जाएगी, आपको एमसीक्यूज भी प्रोवाइड किए जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप काम चलता है। अब जैसे जैसे हमने एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर लिया इस्लामिक स्टडीज, आपको एक तो आज का जो लेक्चर हुआ है इसकी फाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी, इसके अलावा एक पास्ट पेपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पास्ट पेपर में तो सारे ही सब्जेक्ट होंगे ना, आपने आज न्यू ज्वाइन किया मुजम्मिल ने तो इनको नहीं रूटीन का पता, तो जो पास्ट पेपर होता है उसके अंदर तो सारे सब्जेक्ट ही होते हैं, जिन भी 5 या 6 सब्जेक्ट में से पेपर आना होता है एक पास पेपर होता है। वो इसलिए होता है ताकि आपको हाउ ना हो रहे के डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट तरह के एमसीक्यूज किस तरह से पूछे जाते हैं। पास पेपर पढ़ना भी उतना ही जरूरी है जितना लेक्चर के थ्रू हर एक सब्जेक्ट को कवर करना। इसके अलावा मैं एमसीक्यू की फाइल भी प्रोवाइड कर देता हूँ उसी सब्जेक्ट की, ये ऑप्शनल होता है टाइम पीरियड को मैनेज करते हुए, ठीक है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की फाइल भी उस सब्जेक्ट की प्रोवाइड की जा सकती है, क्योंकि लेक्चर में डेफिनेटली हम सारे एमसीक्यूज तो कवर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इस्लामियात के ऊपर 1000 के करीब तो एमसीक्यू होगा, हम उसमें से काफी सारे वाकयात डिस्कस कर सकते हैं, काफी चीजें, लेकिन ओवरऑल सारा एमसीक्यूज तो वो कुछ चीजें हमें एमसीक्यू के थ्रू भी कवर करनी होती हैं, तो वो भी अगर जरूरत पड़ी इस्लामियात के हवाले से तो वो भी मैं फाइल आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, और उस फाइल का फिर टेस्ट भी हो जाएगा आप लोगों का। स्लाइड के साथ कोई बुक, हाँ देखिए ये मिनिमम क्राइटेरिया होता है जो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक डेली का पेपर, एक डेली का जो मैं लेक्चर आपको दे रहा हूँ या जो एमसीक्यूज आपको साइन कर रहा हूँ, साथ में अगर आप उसी सब्जेक्ट को मजीद पढ़ना चाहते हैं पाक एमसीक्यूज से उसके एमसीक्यूज पढ़ना चाहते हैं, आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें पाक एमसीक्यूज की, एग्जाम वीडा है, टेस्ट पॉइंट डॉट पीके है, या बुक भी कहते हैं तो मैं आपको बुक भी भेज दूंगा,
एमसीक्यू रिलेटेड बुक भी आपको मैं सेंड कर सकता हूँ। और ओवरऑल अगर आपने सीएसएस पीएमएस के हवाले से तैयारी करनी है इस्लामियात के सब्जेक्ट की, उसकी बुक भी मैं आपको भेज सकता हूँ। ये जिसको चाहिए वो मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर दिया करे, क्योंकि बाकियों के सामने सारी इस तरह से भेजेंगे तो बाकी कंफ्यूज होंगे, वो कहेंगे पता नहीं हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं, ये दूसरे पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। तो हमने एक मीडियम एवरेज लेवल को लेके चलना होता है, जो इससे ज्यादा एक्स्ट्रा माइल करना चाह रहा हो, ज्यादा पढ़ना चाह रहा हो, उसके पास टाइम है, तो मेरे से उस सब्जेक्ट के एमसीक्यूज भी मांग सकता है, उसके ऊपर सब्जेक्ट की बुक भी मांग सकता है, वो आप मेरे से इनबॉक्स में डिमांड कर सकते हैं। और जी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। चले ठीक हो गया जी, मेरा कल क्वेश्चन कोई नहीं है, तो अल्लाह हाफिज़।